हेलो गाइस वेलकम बैक दोस्तों मेरा नाम है राजवीर सिंह आप देख रहे हैं राज टैलर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक पेंट की कटिंग करके बताएंगे डबल प्लेट पेंट और फिटिंग रहेगी पेंट तो दोस्तों कैसे कटिंग करना है अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करो तो दोस्तों हैं। ये है फेब्रिक पेंट का एक बीस अब इसमें पैंट कटिंग करेंगे दोस्तों पहले मैं आपको कपड़ा बिछाना बता रहा हूँ इसके बाद में इसका मेजरमेंट और कटिंग करके बताएंगे तो दोस्तों जो कपड़े की राइट साइड रहेगी उसको करना है अंदर की साइड में और उल्टी साइड में करेंगे मार्किंग तो इस तरीके से किनार के साथ किनार को मिलाकर सबसे पहले कपड़े को सही करके बिछाया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कपड़े को सही करके विछा लिया है अब दोस्तों अपने एक बेस मार्क करेंगे ऊपर से कपड़े को सीधा करने का इस तरीके से दोस्तों एल स्केल को मैंने किनार से मिलाया है और ऊपर एक मार्क किया है कपड़े को सीधा करने का अब दोस्तों आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए सबसे पहले तो दोस्तों सैंतीस इंच पैंट की लंबाई है छत्तीस इंच पैंट की कमर है उनतालीस इंच पेंट की हिप है और साढ़े छब्बीस पेंट की थाई है और दोस्तों साढ़े चौदह इंच पेंट की बॉटम है ठीक है दोस्तों ये है अपना मेजरमेंट अब अपने मार्किंग करेंगे इसकी तो कैसे करनी है तो दोस्तों अपने एक इंच ऊपर निकाल देंगे डेढ़ इंच का बेल्ट रहता है तो आधा इंच का मार्जिन चला जाता है तो यानी कि लेंथ इसकी पूरी रेडी होती है एक इंच ऊपर निकाल कर अपने मार्क करेंगे सैंतीस इंच पर और नीचे फोल्डिंग के लिए आप ढाई से तीन इंच अलग से रख सकते हो तो यहाँ पे मैंने तीन इंच रखा है तो दोस्तों हिप है इसकी उन्तालीस उनतालीस का वन फोर्थ होता है पौने दस इंच अपने दोस्तों साढ़े नौ इंच इसकी लटक रख रहे हैं दो सूट कम करके दोस्तों साढ़े नौ से ज्यादा बड़ी लटक अपने किसी में भी नहीं रखते इसलिए मैं साढ़े नौ इंच तक इसकी लटक रख रहा हूँ ठीक है दोस्तों इसके बाद में इन दोनों को मेजर करेंगे ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक साढ़े छब्बीस है साढ़े छब्बीस का हाफ होता है दोस्तों सवा इंच तो सवा तेरह इंच पे मार्क किया और यहाँ से सवा दो इंच ऊपर करते हुए उठने का मार्क करेंगे अब दोस्तों इन मार्कों को सीधा करेंगे तो इस तरीके से अपने मार्क करेंगे सीधे ठीक है दोस्तों इस तरीके से मार्क सीधा करने के बाद में यहाँ पे एक किनार को निकालने का अलग से मार्क करना है अब दोस्तों इसकी थाई है साढ़े छब्बीस साढ़े छब्बीस का हाफ होता है सवा तेरह इंच तो सवा तेरह इंच पे मार्क करेंगे और दोस्तों डेढ़ इंच पीछे करते हुए एक मार्क करेंगे और अब सवा तेरह का ऐसे हाफ करेंगे इस तरीके से ठीक है दोस्तों ऐसे यह मार्क करना है इसके बाद में यहां से नीचे से पौने तीन इंच और इसके बाद में साढ़े चौदाह इसकी बॉटम है साढ़े चौदह का हाफ होता है सवा सात तो सवा सात पे मार्क करेंगे और दोस्तों एक इनका सेंटर यानी कि साढ़े तीन और एक सूत पे इसका सेंटर का मार्क करेंगे तो दोस्तों ये बॉटम का मार्क लगने के बाद में अपने अब इसका सेंटर सीधा करेंगे तो ये सेंटर पे इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इसको इस तरीके से मार्क करेंगे एक यहाँ पे मार्क कर लेना है और एक ऊपर सेंटर का मार्क कर लेना है ठीक है दोस्तों अब ये इसका सेंटर निकल गया है तो अब सेंटर की ऐसे मार्किंग भी आप मिला सकते हो इस तरीके से ऐसे ठीक है दोस्तों ये इसकी सेंटर की मार्क हो चुकी है अब दोस्तों इसका घुटना कैसे निकालना है तो दोस्तों आपको इस पॉइंट पे इंची टेप को ऐसे रखना है और ये जो अंदर वाला मार्क है इस पे इस तरीके से और यहाँ पे आपको ऐसे एक निशान ले लेना है अब दोस्तों इसको यहाँ से मेजर करेंगे ये साढ़े चार है तो साढ़े चार इस साइड में भी रख के मार्क कर लेंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद में अपने इसको यहां से यहां तक बिल्कुल सीधा करेंगे ऐसे और इस साइड में भी सेम इसी तरीके से अब दोस्तों शेप फट्टी का यूज करते हुए पूरा करेंगे मार्क को तो शेप फट्टी को इस तरीके से रखना है ऐसे और इस मार्के को यहां पे मिलाकर शेप कर लेना है और इस साइड में इस तरीके से ठीक है दोस्तों ये मार्क हो चुका है बॉटम में हल्का सा इसको ऐसे क्रॉस करेंगे जब बॉटम फोल्ड करें तो इसमें यहाँ पे रिंकल ना आए कोई खिंचाव ना दिखे इसलिए अपने ऐसे मार्क करते हैं अब दोस्तों इसको करेंगे ऊपर सीधा तो सीधा कैसे करना है इसको यहाँ से करेंगे मेजर ये हुआ साढ़े ग्यारह तो साढ़े ग्यारह यहाँ पे रख के मार्क कर लेना है अब करेंगे इसको ऐसे सीधा और यहाँ पे करना है इस तरीके से राउंड और यहाँ पे दोस्तों इसकी फ्लाई लगेगी तो इसके लिए मार्क कर लेते हैं तो दोस्तों अब कमर है इसकी छत्तीस इंच तो छत्तीस का वन फोर्थ छत्तीस का चौथा हिस्सा होता है नौ इंच और एक इंच दोस्तों मार्जन रहेगा जो आधा इंच इस साइड में दबेगा और आधा इंच इस साइड में दबेगा इसके बाद में दोस्तों जो बचा है वो प्लेट के लिए रहेगा तो दोस्तों इसमें बचा है डेढ़ इंच तो डेढ़ इंच की प्लेट रहेगी दोस्तों पहली प्लेट एक इंच की रहेगी इसके बाद में क्रॉस पॉकेट का मार्क करेंगे सवा दो इंच इस तरीके से और साढ़े सात इंच ऐसे नीचे की साइड में ये रहेगी क्रॉस पॉकेट इसके बाद में दोस्तों इस मार्के से इसको मेजर करेंगे ये हुआ चार इंच तो चार का हाफ करेंगे दो इंच और ये आधा इंच की प्लेट रहेगी ठीक है दोस्तों इस तरीके से ये मार्क करना है और इसको इस तरीके से प्लेट डाल देना है ऐसे ये प्लेट रहेंगे और ये है इसकी क्रॉस पॉकेट का मार्क ठीक है दोस्तों और यहां पे ये हल्का सा फूल रहा है तो शेप फट्टी को ऐसे रख के सही शेप कर लेना है दोस्तों सामने को करेंगे डाउन पौने से एक इंच करना है तो यहां पे मैं कर लेता हूं एक इंच डाउन और इसको ऐसे शेप फट्टी रखकर मार्क को पूरा करना है तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट पीस की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगा कटिंग कैसे करनी है देखिएगा अच्छे से तो दोस्तों यहाँ पे अपनी पैंट का फ्रंट पीस कट हो चुका है अब अपने बैक पीस कट करेंगे तो बैक पीस कैसे कट करना है तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे फ्रंट पीस को साइड पे और इस तरीके से अब इसको पलट के बिछाएंगे और अब अपने बैक पीस की कटिंग करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से सही करके रख लेना है इसके बाद में इसका सेंटर करेंगे सीधा इसको यहाँ से मेजर करेंगे ये सवा दस इंच है तो यहाँ पे नीचे भी सवा दस इंच पे ही करना है इसको तो दोस्तों एक सूत का फर्क है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ ये अब एकदम सही हो चुका है अब दोस्तों अपने ये मार्क सीधा करने हैं सबसे पहले इस मार्के को कर लेते हैं सीधा ऊपर और एक इससे आधा इंच नीचे दोस्तों बॉटम में भी सेम मार्कों को सीधा करेंगे इस तरीके से अब दोस्तों यहाँ पे आपको रखना है सिंपली डेढ़ इंच आप डेढ़ इंच से एक सूत कम भी रखो तो भी चलेगा और यहाँ पे रखना है पौने दो इंच और यहाँ पे रखना है दोस्तों आपको ढाई इंच यहां से ढाई इंच बढ़ते हुए अब दोस्तों जो बैक को उठाएंगे तो यहाँ पे आप दो इंच तक उठा सकते हो यहाँ पे मैं पौने दो इंच उठा रहा हूं आप चाहो तो दो इंच तक उठा सकते हो तो दोस्तों इस तरीके से ये मार्क करने हैं और यहाँ पे एक बिल्कुल इसके बराबर में मार्क करना है और एक आधा इंच से का मार्जिन का मार्क करना है अब दोस्तों छत्तीस कमर है तो छत्तीस का वन फोर्थ होता है दोस्तों नौ इंच पर नौ इंच दोस्तों यहां से रखना है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे मार्क करना है और दोस्तों एक इंच की बैक में जो टेक रहेगी प्लेट उसके लिए और दो इंच की जुड़ाई के लिए अलग से अब दोस्तों इसको इस तरीके से मिला लेना है ऐसे और नीचे की शेप इस तरीके से करनी है शेफ हट्टी को इस तरीके से रखना है एक बार में और इस तरीके से मार्के को पूरा ऊपर तक निकालना है और नीचे से करेंगे हल्का सा क्रॉस और इस तरीके से मार्क कर लेंगे ठीक है दोस्तों इस तरीके से ये मार्क होने के बाद में तो दोस्तों हिप का मार्क करना है यहां से साढ़े तीन इंच ऊपर तो और आधा इंच का इस साइड में मार्जन छोड़ देना है और आधा इंच का इस साइड में मार्जन इंची टेप को दोस्तों इस तरीके से रखना है अब तो दोस्तों हिप है इसकी उन्तालीस इंच उनतालीस का हाफ होता है दोस्तों साढ़े उन्नीस साढ़े उन्नीस पे मार्क किया ये साढ़े उन्नीस पे मार्क है इसके बाद में दोस्तों डेढ़ इंच प्लेटों वाली पेंट में छोड़ना लूज ज़रूरी है अगर दोस्तों आप ज़्यादा लूज़ बना रहे हो तो दो इंच तक लूज छोड़ सकते हो तो यहाँ पे मैं डेढ़ इंच लूजिंग पे इसका मार्क ये उठा रहा हूँ ठीक है दोस्तों इस तरीके से अब दोस्तों इसका बैक का मार्क कंप्लीट कैसे होगा इसको यहाँ पे ऐसे मिलाना है और इस पे कटिंग करेंगे तो इसको इस तरीके से अब दोस्तों जो सीट की सिलाई लगेगी वो इस मार्के के ऊपर आएगी एकदम प्रॉपर ठीक है दोस्तों इस तरीके से इसको राउंड कर लेना है और दोस्तों कटिंग इस पे होगी आधा इंच पौना इंच ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए इसमें तो दोस्तों ये हो गई है अपनी पैंट की बैक की पूरी कंप्लीट मार्किंग अब दोस्तों मैं इस पैंट की कटिंग करूंगा तो कटिंग देखिए कैसे करनी है कंप्लीट कट कैसे होगा तो अब दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं तो दोस्तों यहाँ पे अपनी पैंट पूरी कंप्लीट कट हो चुकी है दोस्तों ये मार्क के जो आगे कट किया है कपड़ा ये दोस्तों सिर्फ एक्स्ट्रा कपड़ा है जिससे कि अपने कभी पैंट को लूज करना हो तो इस कपड़े का यूज करके लूज कर पाए तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक डबल प्लेट फिटिंग वाली पैंट कटिंग करना बताया है दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में